समापन होगा। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि संगठित कार्य हमेशा विजय रहता है, इसके लिए संघ शक्ति चाहिए क्योंकि अच्छा कार्य भी बिना शक्ति नहीं हो सकता। कार्यक्रम में देश भर से आए प्रतिनिधि मौजूद हैं। जयपुर के जामडोली में चल रहे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सेवा संगम का आज समापन होगा। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि संगठित कार्य हमेशा विजय रहता है, इसके लिए संघ शक्ति चाहिए क्योंकि अच्छा कार्य भी बिना शक्ति नहीं हो सकता। कार्यक्रम में देश भर से आए प्रतिनिधि मौजूद हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अनिल सेन। अनिल, जयपुर के जामडोली में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है का सेवा संगम है, आज उसका समापन होने वाला है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे? देखिए, सेवा संगम 2023 से जयपुर में आयोजित हुआ। जामडोली में हमने देखा की लगातार 3 दिन से इसके अंदर संघ के कार्यकर्ता सेवा कार्य में लेते हुए संघ का विभाग है वो तमाम संख्या में प्रतिनिधियों ने एक प्रदर्शनी भी लगाई थी। प्रदर्शनी के माध्यम से बताया था कि किस तरह से सेवा कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर अपने किए गए कार्यों की प्रदर्शनी हम सब लगाई थी और उसमें भी ये बताया गया कि पहले की तस्वीर किस तरह थी और उसके बाद में सेवा कार्य करने के बाद में वो तस्वीर लगातार किस तरह से बदली। हमने देखा कि सेवा कार्य से जुड़े हुए तमाम लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ तक इस प्रदर्शनी को आम लोगों के लिए भी खुला रखा गया था। इस प्रदर्शनी से हम लोगों को मैसेज मिला कि किस तरह से जरूरतमंदों के वंचित वर्ग की जो है वो सहायता और उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। और देखा था कि सेवा संगम का जो समारोह आयोजित हुआ मोहन भागवत वो भी यहाँ पर पहुंचे। प्रदर्शनी के दूसरे दिन यहाँ पर पहुंच रहे सेवा संगम जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था उसका शुभारंभ वहाँ पर किया। वो तमाम संघ के पदाधिकारी थे उनके साथ में चर्चा वार्ता भी वहाँ पर की गई। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा संगम जो ये जो किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है, इसके चलते सर संघ चालक मोहन भागवत और सभी जो देश भर से आए जो प्रतिनिधि हैं उनका जयपुर आना, विधानसभा चुनाव से पहले इतने बड़े लेवल पर ये सेवा संगम का होना, क्या इन दोनों का कोई कनेक्शन है, क्या इसका कुछ कुछ असर माना जा सकता है? लेकिन सीधे तौर पर कनेक्शन नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी बड़े आयोजन हो रहे हैं और 21 साल में राजस्थान में इसका कुछ इम्पैक्ट वहाँ पर नजर आ रहा है। ये संघ का बड़ा आयोजन है, संघ के तमाम जो लोग हैं वो इसमें शामिल हुए और राजस्थान में कार्यक्रम जो राजधानी जयपुर में हुआ तो इसका एक पॉलिटिकल मैसेज यहाँ से जरूर जा सकता है कि आखिरकार संघ जो की भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है संगठन में माना जाता है और संघ की विचारधारा को पार्टी से जुड़ी माना जाती है, तो ऐसे में सेवा कार्य किस तरह से कर रहे हैं तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखते हैं कि राजनीति में कई बार बयानों की बात आती है तो सोचते भी रहते हैं, तो ऐसे में अगर संघ ये रक्षित हुई यहाँ पर बनाता है पॉजिटिव मैसेज इसको कहा जा सकता है कि राजस्थान में जरूर जा सकता है। जी अनिल, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।